एसवाईएल पर बैठक के बाद हरियाणा के सीएम का बयान सामने आया है। पंजाब से बैठक के बाद अब फैसला इस पर आएगा। पंजाब से बैठक के बाद बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, एससी के निर्देश पर एसवाईएल पर यह बैठक हुई है। सन 1966 से लगातार एसवाईएल नहर पर विवाद जारी और पंजाब से जब से हरियाणा अलग राज्य बना तभी से विवाद ये जारी, लेकिन फैसले का इंतजार अभी भी जारी है। अभिषेक बिल्कुल देखिए, SYL यानी सतलुज यमुना लिंक जो है उसको लेकर के विवाद जो है वो लंबे समय से चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, बैठकें चल रही हैं, लेकिन बैठकों का समाधान किस लेवल पे निकलता दिख रहा है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक फिलहाल इस मामले में कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बैठक आज भी हुई है, लेकिन उस बैठक के बाद चीजें क्या निकली ये बेहद अहम हो जाता है, और इसमें फिलहाल कोई भी हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। अब देखना अहम होगा कि इसका हल कैसे निकलता है। मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। 6 सितंबर को जो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर बैठक करके और कोई फैसला किया जाए या कोई रास्ता निकाला जाए, उसका कोई अल्टरनेटिव भी है तो भी ढूंढा जाए, उसी संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी। लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि SYL बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सतेंद्र, बैठक के बाद अगर हम आपसे समझें तो क्या लगता है, हल निकल रहा है या मामला अभी भी जस का तस है, उलझा हुआ है? अभिषेक, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये मामला आज से नहीं है, 1966 से जब से हरियाणा बना है तब से ये मामला उलझा हुआ है। और इस SYL नहर को लेके कई दौर की पहले मीटिंगें भी हो चुकी है। हालांकि इसे अगर हम SYL नहर की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं खालिस्तान का भी हाथ रहा है, क्योंकि इसमें कई इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज जो दोबारा से मीटिंग की गई, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री जब एक साथ बैठे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों का एक पैनल बनाया गया था, पहले भी बना था, उसमें भी डिस्कस हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज फिर पंजाब और हरियाणा के सीएम बैठे और एक साथ फिर डिस्कस हुआ। लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह बात क्लियर कर दी कि ये जो मीटिंग की जा रही है SYL के पानी के लिए नहीं है, यह सिर्फ SYL का जो निर्माण किया जाना उसको लेके मीटिंग की गई है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके अलावा उनके कई मंत्री, चाहे वो कुलदीप धालीवाल हो या फिर लालचंद कराचक, उनका कहना यह है कि पंजाब में पीने के लिए पानी नहीं है, तो हम SYL नहर का जो पानी है उसकी एक बूंद भी हरियाणा को नहीं देंगे। और हालांकि अगर हम पंजाब में विपक्षियों की बात करें, विपक्ष में कई पार्टियां हैं, अकाली दल हो या कांग्रेस, उनका भी यही कहना है कि पंजाब में पानी हरियाणा के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम सतेंद्र देखिए, जब जब हरियाणा में चुनाव हुए ये जुमलेबाजी तो बहुत की गई कि हाँ SYL मुद्दे का समाधान होगा, इस पर जमकर वोट भी बटोरे गए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, लेकिन क्या जनता आने वाले समय में झांसे में आएगी क्या नेताओं के, जो हर बार उन्हें बोला गया लॉलीपॉप दिया गया? अब तक मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो चुनाव हरियाणा में हो या फिर पंजाब में हो, बीते दिनों पंजाब में भी इलेक्शन हुए, तब भी SYL के मुद्दे, SYL के नाम पर बहुत अच्छे आम आदमी पार्टी ने वोट बटोरे। लेकिन अब हरियाणा में इलेक्शन है तो फिर से SYL का जो जिन्न है फिर से बाहर निकल चुका है और लोगों को भ्रमित करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन हरियाणा के सीएम का भी कहना यह कि चाहे हम जान दे देंगे पर हम पानी की लेके रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट के बाद भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 जनवरी 2023 तक मुझे इस मामले की पूरी रिपोर्ट चाहिए। अब देखना यह होगा कि 19 जनवरी तक, तो चलिए सतेंद्र, अब देखना अहम होगा कि ये मामला कब जाकर के सुलझता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये मामला जो है लंबे वक्त से चला आ रहा है और फिलहाल ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है।